वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फ्यूचर्स। और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू 2022 ह्यूंडई ऑरा एसिक्स मॉडल के बारे में। करंटली आप जो ये पेंट फिनिश देख रहे हैं इसके ऊपर, ये है पोलर वाइट। अब हम बात करें इसके एक्सशोरूम प्राइस की, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 7,49,000 रुपीज़ एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 8,40,000 रुपीज़। हम जो व्यूज़ आपकी ये प्राइस बता रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश संत ह्यूंडई डीलरशिप का। अब बात की जाए व्यूज़ इसकी की के बारे में, तो इसकी कीज़ जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है। दोनों ही कीज़ आपको सिमिलर देखने मिल जाएंगी एंड इसमें आपको एक हिडन की फॉब यहाँ नीचे दी गई है। अगर आप इसे निकालना चाहें तो आप इस बटन को प्रेस करके इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में आपको जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड लगेगा देखने में ह्यूंडई नियोस से, और ये उसी का एक सेडान मॉडल है जिसे कि ऑरा के नाम से रिलीज़ किया गया है इंडिया में। साथ में इसमें आपको फ्रंट में जो ये देख पा रहे हैं बूमरैंग स्टाइल में DRLs मिल जाती है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करते हैं। एंड सिल्वर इंसर्ट इसकी साइड पूरी नोज़ ग्रिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती देखने में। एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये सैटिन ग्रे फिनिश, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इसके ऊपर देखने में। और साथ ही में इसमें आपको फ्रंट में एक चीज़ देखने मिल जाएगी, प्रोजेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छी क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जब भी आप इसके साथ फॉगी डे में या नाइट में ड्राइव करेंगे। क्रोम टचअप दिए गए हैं एंड यहाँ पे हिडन फंक्शन मिल जाता है इसका, ये एयर वेंट जो इसके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है व्हीकल की हाई स्पीड में। साथ ही में इसकी फ्रंट डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाने में मदद करता है, मींस कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ से जो एयर वेंट से हवा बाहर आती है वो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करती है और फ्रंट डिस्प्ले को वेंटिलेट करके रखती है। ये एक स्पोर्ट्स व्हीकल से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है और काफ़ी कम व्हीकल्स में आपको ये फंक्शन देखने मिलेगा। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने मिलेगी अगर आप इसके साथ कंटिन्यूस ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे हिल स्टेशन में ड्राइव करते टाइम पे। फ्रंट एंड रेयर में आपको सेम टायर साइज मिल जाता है, जो कि है 175/60R15 के डायमंड कट ड्यूल टोन फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती, तो रेयर में ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। फास्ट बैक हेडलाइट्स हेलोजन बल्ब के साथ में आती हैं, टर्न लाइट इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो कि है 160mm की, मींस विद लोड आपको 160mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं इसके फ्रंट में, ये इसका एयर डिफ्यूज़र है जो कि व्हीकल के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है हाई स्पीड में। अब बात करें इसके हेडलाइट्स एंड वाइपर्स, तो मैनुअल फंक्शन के साथ में आते हैं, प्लस ORUs को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट रेट ट्रैक कर पाएंगे। LED टर्न लाइट इंडिकेटर देख सकते हैं, क्रोम टचअप आपको सभी डोर हैंडल्स के ऊपर मिल जाता है। डोर पैनल के ऊपर आपको ड्यूल टोन फिनिश थीम देखने मिल जाएगी। कैबिन के अंदर 6+ स्पीकर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपको पावर विंडो कंट्रोल्स एंड स्मूथ फिनिश के साथ में प्लास्टिक पैनल देख सकते हैं। वाटर होल्डर की स्पेस एंड मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना मोबाइल फ़ोन ईजिली स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर जो ये गोल्डिश ब्राउन फिनिश दी गई, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में, और एक न्यू टचअप जो इसके ऊपर दिए गए, जो कि आपको देखने मिल जाएगा ह्यूंडई की अल्काज़ार में भी, सेम टाइप की थीम का इसमें अल्काज़ार में भी यूज़ किया गया है। ग्लव बॉक्स में जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ में कूल बॉक्स का फंक्शन भी मिल जाएगा। सभी सीट्स जो है लेदर एंड फैब्रिक फिनिश के साथ में आते हैं, साथ में पाइपिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से लुक्स जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में और एक प्रीमियम लग्जरियस व्हीकल का एहसास मिलता है। यहाँ पे सीट्स जो काफ़ी कुशनी दी गई हैं, लंबा डन था स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में फोर ड्राइवर की सीट आती है, तो ड्राइवर की सीट जो है वो 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में देगी, जिसमें कि हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वैनिटी मिरर सन वाइजर के ऊपर, रूफ में देखेंगे तो सबल फ्री रूफ और साथ में साफिन एंटीना। फ्रंट डोर की तरह सेम टचअप देख सकते हैं यहाँ पे आप, पावर विंडो कंट्रोल्स एंड बाहर से इंटीरियर का व्यू कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख पाएंगे। कप होल्डर्स की स्पेस आर्मरेस्ट के ऊपर और ये एक पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक आर्मरेस्ट में, और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मुझे चीज़। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, को ड्राइवर की सीट के पीछे आपको मिल जाती है मैगजीन स्टोरेज की स्पेस, जो कि ड्राइवर साइड में नहीं दी गई है। एंड इसमें जो आपको यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट पावर पॉइंट फॉर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए, और रेयर से जो आपको फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा। इंडिविजुअल रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड सेकंड रो के लिए। साथ में अब बात की जाए इसके लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस की, तो जैसे कि देख सकते हैं सर सेकंड रो में बैठे हुए, इनके लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ ही में हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट जो काफ़ी कम्फर्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हेड के लिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं सर फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, यहाँ पे जो इसकी सीट है ये इनकी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है एंड काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सपोर्ट मिलता है इनको और आर्म स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी कम मिलते हैं। मीन्स कॉर्नरिंग करते टाइम पे या फिर हिल स्टेशन पे ड्राइव करते टाइम पे ड्राइव करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है एंड ये जो आप पैनल देख पा रहे हैं इसके रूफ को रेयर से फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट देता है। रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी और इसमें जो आपको रेयर में सस्पेंशन मिलता है वो कपल टॉर्शनल बीम एक्सल एंड फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया है वो है मैकफर्सन स्टड विद कॉल स्प्रिंग सस्पेंशन। रेयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ब्लैक इंसर्ट क्लैडिंग जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, LED टेल लाइट्स जी स्टाइल में काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्रोम टचअप एंड ऑरा की बैजिंग, Hyundai का लोगो, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट एंड अगर आप इसके बूट को एक्सेस करना चाहें तो आप इस रिक्वेस्ट बटन से इजीली ओपन कर सकते हैं। एंड बूट स्पेस की बात की है तो इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है 402 लीटर्स की, साथ ही में बूट लैंप, काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। स्टील रिंग के साथ में स्पेयर व्हील एंड जैक टूल सेंटर में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर यहाँ पे मिल जाती है आपको रिक्वेस्ट बटन की ऑप्शन, की फॉब के साथ अनलॉक करने की ऑप्शन दी गई है और यहाँ पे आप देख पाएंगे पावर कंट्रोल्स एंड ओआरजीएस के कंट्रोल्स। बाकी आपको सेम फिनिश देखने मिल जाएगी। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे देखा तो बूट ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। माइनर फ्यूज बॉक्स जो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड अगर आप इसका हुड ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली इस लैच को पुल करके ओपन कर पाएंगे। अब बात की जाए इसके इंजन बे के व्यू की तो दूर से कुछ इतना देखने मिलता है, काफ़ी वाइड ओपनिंग मिल जाती है। Hyundai अपनी ऑरा के ऊपर जो वारंटी ऑफर करती है वो है 3 years and 1 lakh kilometer की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है। इसमें जो इंजन दिया है वो है 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ में आता है। मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 82 bhp की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 114 nm का। माइलेज क्लेम मिलती है वो है 21 किलोमीटर ऑन हाईवे मैक्सिमम एंड इन वन फुल टैंक आप इसे ड्राइव कर सकते हैं 770 किलोमीटर तक। इसमें जो गियरबॉक्स दिया गया है वो है 5-speed मैनुअल एंड 5-speed ऑटोमेटिक की ऑप्शन मिल जाती है विद स्पोर्ट्स मैनुअल ओवरराइड का फंक्शन। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेजर फ्यूज बॉक्स, इसका कूलेंट टैंक यहाँ पे दिया गया है इंजन का, तो साथ में ब्रेक फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया गया जिसमें कि आपको .3 and .4 ब्रेक फ्यूल फिल करने की ऑप्शन मिलती है और पीछे वॉशर फ्यूल टैंक यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इस ड्राइवर साइड से तो यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो देखने मिल जाएगा। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर सिल्वर फिनिश यहाँ पे आप देख पाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स तो पीछे देख पाएंगे आप, वाइपर्स एंड हेडलाइट्स के कंट्रोल्स। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है। एरोप्लेन स्टाइल में इसकी ये जो आप देख पाते हैं एयर वेंट्स, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं इसके इंटीरियर में। अब बात की जाए इसके MID की तो जैसे ही हम इसे इग्निशन मोड में लाएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। फ्यूल लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीड और मीटर दिया गया है डिजिटल में। इंजन RPM आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डिस्टेंस टू एम्प्टी आप यहां पे देख सकते हैं कितने किलोमीटर चला व्हीकल, वो इन ऑडोमीटर में यहां पढ़ पाएंगे और एंड लो फ्यूल लेवल की वार्निंग यहां पे दिखाएगा। स्टिक को प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं एवरेज इन 1 liter वो, साथ ही में इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, trip 1 trip 2 देख पाएंगे, हर एक चीज़ हम यहाँ पर ईजिली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आए तो 8 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और साथ में ये इसमें जो आपको टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो का फीचर दिया है, ब्लूटूथ वॉइस मेमो, वॉइस कमांड, नेविगेशन एंड DRVM का इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर भी मिलता है जिसे कि हम यूज़ करना चाहें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ड्राइव करते टाइम पे एंड इसके जो एंगल जब हम चेंज कर पाएंगे ईजिली। सेटिंग्स में जाके हम अपना डिवाइस जो पेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ में। एडवांस्ड सेटिंग्स में जाके अपना मोबाइल फ़ोन प्रोजेक्शन हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मींस इसमें जो आपको स्टार बटन के पास जो यहाँ पे स्टार बटन दिया गया इस बटन के ऊपर आप क्या चीज़ रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ रख दो तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ का फंक्शन रहेगा परमानेंटली। साउंड क्वालिटी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेवल इक्वलाइजर को यूज़ करना चाहें वो। इसका जो टच रिस्पॉन्सिव यूज़ आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है एंड यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। डिफ़ॉल्ट बटन्स मिल जाते हैं जिसमें कि रेडियो मीडिया और स्किप ट्रैक सेटअप हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एंटर एंड ट्यून फाइल के कंट्रोल्स दूसरी तरफ मिल जाते हैं आपको, वॉल्यूम कंट्रोल्स, ब्लूटूथ मिलता है तो यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ मिल जाएगा,
पियानो टचअप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सराउंडिंग में। एयरवेंट्स के सेंटर में देख सकते हैं चारों पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, मैनुअल एसी क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आप देख पाएंगे फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन, यूएसबी के पावर पॉइंट यहाँ पे दिए गए इसमें 120 वाट में मैक्सिमम पावर आउटपुट, जिसमें कि अपना लैपटॉप चार्जर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस काफ़ी स्मूथ फिनिश मिल जाती है इसके। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग स्टिक के सराउंडिंग में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए, तो उसका पैटर्न शिफ्टिंग का स्मॉल कप होल्डर की स्पेस, और वाटर बॉटल स्टोर करके रखना चाहे तो आप यहाँ पे भी रख पाएंगे, कॉइन स्टोर करके रख सकते हैं। रूफ में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए जगह, सनवाइजर के ऊपर माइक, फ्रंट में हैलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप, और IRV मैनुअल डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। अब मैं बात करूँ इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं ABS, EBD, साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और इसमें आपको DRVM जैसा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर मिल जाएगा। तो व्यूज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।